क्या तो भी कर रहे नू खाला, ऐसा आधे घंटे से क्या तो भी कर रहे, चार के देखना ही पड़ता। क्या तो भी कर रहे जी? खाना बना रही है पर दोनों के वास्ते। खाली दोनों के वास्ते? कितना बना रहेगी? दोनों ने छह जनों के वास्ते बना रही। पूरे गांव को बुला लूं? नहीं रे, छह जनों के वास्ते बोल तो गांव को बुला लूं, बोलता तेरे को, मेरे को, लवली को, बिट्टी को, क्यूटू को, बुड्ढे को, निकलेंगे। काम वाले आंटी आए तक लेट होता, लेट नहीं, खाना बनाने वालों के। आंटी एवर चली पायरो? हाँ, मैंने जो पकाने वाली है ना, वो उनके हस्बैंड की बहन मर गई करे, तो उन्होंने आने वाले हैं चार दिन का, मौता में गए। इसके वजह से मैं खाना बना रही हूँ तुम लोगों के, मैं पकवा, तुम लोगों की कुक मैं हूँ। हाँ, दाल चढ़ा दी गलने के वजह से, अंडे उबाल ली खाने के वास्ते, करिया पक। अजी ये इजी पकाना कहाँ से सीखे, मेरे को भी सिखा दो कल से। तेरे को? हाँ तेरे को, यूज पका देते ना जी तुम खाना। मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाती है, मैं मेरी मम्मी से सीखी, डैडी से नहीं, डैडी से तेरे को भैया मारना सीखी। वो भी इतना बुरा बुरा कल्ले लाल बनाते हैं पूरे, ऐसा मैं देख। हाँ। पीला का ले तो कैसा, कल्ले लाल नहीं होते, गीले लाल नहीं होते, नाटका ना को कर, चल जा पानी नहान, जाना है अपने को, सुना ना, जल्दी जल्दी जाके चम्मू भर के पानी डाला तो रेडी हो जाता हूँ मैं। ओ तेज। हाँ। दाल बना रही थोड़ी। हेलो गाइस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम आवाम, मेरी हैदराबाद की आवाम को सलाम वालेकुम, कैसे है आप लोग? तो मैं बना रही हूँ अब दाल, बच्चे पाल, जुम्मा मुबारक, आज जुम्मा है तो चलो सब्जे ने खटी दाल खाना बना लो। और ये कैसा लगाऊं कुकर? दाल दाल दाल, बच्चे पाल पाल। ये कैसा लगाऊं ये कुकर? ये लग रहा। आंटी ये कुकर कैसा लगाती है आंटी? हाँ लगा दी लो, कैसा लगाती कि क्या नहीं, कि उसको चाहता भाई कुकर लगाने, थोड़ा खाना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मॉर्निंग डाइट। तो मैं खा रही हूँ उबले हुए अंडे, डेली सुबह मैं तीन अंडे खाती हूँ। और देखो सब बैग में रख, अंडे मैं खाती हूँ, इन लोगों को जर्दियाँ खिलाती हूँ। हर सुबह तीन अंडे, आफ्टर 30-40 क्रॉस करे तो कैसा भी खाना, कई को बोले तो कैल्शियम मिलता। ये देखो अंडों की ट्रे, दो दिन में एक ट्रे आते रहती, खाना चढ़ा दी, सालन चढ़ा दी, खाने में नमक डालना भूल गई मैं। तो कांगाली आंटी की बहन, हस्बैंड की बहन मर गए तो उन्होंने मैयत में गए हुए हैं। खोल डोर, चल तू जाके पानी खा ले जा, लेट ना को कर। सुना पहले बड़े लोग नहाना करते जी, छोटे बच्चे एक भगोने में नहा लेते करते। जा ये धोने डाल, ये भी धोने डाल। आंटी आज क्या साड़ी निकाल रहे मेरे को पहनने के लिए? एमसी का मेरे को पहनने के वास्ते जो साड़ियाँ निकालते ना, इनोच निकालते। और इनो मेरी साड़ी की हालत क्या करे मालूम, कल पहनने के वास्ते साड़ी निकाली मैं, जल्दी जल्दी में मैं दूसरी साड़ी पहन के गई, इनो मेरी साड़ी नई रूलिंग की साड़ी को मशीन में डाल के धोई। बताती हूँ साड़ी की हालत क्या करे, वो धोने की साड़ी थी ही नहीं, तो मेरी साड़ी की हालत क्या करे देखो, ये रूलिंग की साड़ी है, मैं कल पहनी है बल्कि निकाली तो देखो सो मैं क्या करी, जल्दी जल्दी में ये साड़ी नको अब दूसरी पहन के जाते हैं तो इसको मशीन में डाल दिया ना। ये साड़ी रूलिंग कराने की रहती, बराबर नीचे तक रहती, अब ये साड़ी को मशीन में डालो तो क्या हो गई, इतनी छोटी हो गई, इसको आती है वो, इसको भी नहीं आ रही। ये हालत करे मेरी साड़ी की नो, तो मेरी साड़ी की हालत इनो मशीन में डाल के ये कर दिए, पूरी साड़ी सत्यानाश कर दिए। ये साड़ी मैं दयास से ली थी, दयास पकड़ हैबिट्स का है, ये देखो कैसी कर दिए देखो साड़ी इनो। अब इनके ऊपर कुछ भी चिल्ला भी नहीं सकते ना, इनको कुछ बोल सकते, कई को बोले तो इनो काम बंद कर दिए तो फिर एक परेशानी ना। ये देखो आंटी ये चुन्नी कर दिए ना तुम इसको,
चुन्नी जैसी पाड़े सुनाओ कई को ऐसा करे जी दाल देखते खुद दा, उत्कनी की चूसी आया चुका था आंटी अब मैं साड़ी नहीं दी बल्कि तुम साड़ी की ये हालत करे नहीं मेरे को अब नई साड़ी होना तुम ऐसा कैसा खराब कर देते जी इस तरीके करे तो भी नहीं खुलती ये साड़ी दूर जा रहे बहुत प्यारी साड़ी है मालूम है ये ए देखो ऐसा ये ऐसा रूलिंग की साड़ी है ये इसको रूलिंग करवाते रूलिंग अब 200-300 रुपए रूलिंग को लग जाते हैं साड़ी को हाँ क्या देते तुम चलो तुम नहीं पूछे तो अच्छा है मेरे को ए देखो ऐसा कर दिए साड़ी को नो मेरी कुछ भी एक जगह नहीं रख रहे आंटी का ध्यान कहाँ रहता कि क्या नहीं की चलो पूरी साड़ी खराब कर दिए तुम देख के काम करो तुम जरा ఎక్కడి ఆంటీకి కొద్దైతే నేనన్నా కట్టుకుంటే ఎక్కడి ఇక అడగాకమ్మా నేను కట్టుకుంటా తీసుకొని పోయి నీకు బాగాలేకపోతే బాగాలేపాయి మేమన్నా కట్టుకుంటావు బొచ్చడి చీరలు ఏం చేస్తావు మేమన్నా తీసుకున్నావు తీ పోయి చీరకి ఏమైనామా ఇస్త్రీ చేస్తే సూపర్ అవుతుంది మరి ఘోరం చేస్తుంది ఈ అమ్మాయి అయితే ఈ చీర గీ చీరకి ఏమైంది ఆ గీ చీరను పట్టుకొని వెనకట్ల చీర ఇది దీని ఇంకా పట్టుకొని మా చేస్తుంది పని ఇట్లా విండినందుకు అట్లా ముడత వచ్చింది ఇంకొద్దైతే అదే साड़ी खराब कर दिए ऊपर से मेरे पे चिल्ला रहे ऐसी कोसी साड़ी है जी अम्मा ये पुराने जमाने की साड़ी ले लेके वो कर रहे बोल के इन लोगों का अलग पुकारा रहता घर में कुकर के कितने सीटियां हुए रे याद नहीं है जा कुकर बंद करके भाग लेते आ साड़ी पूरी खराब कर दिए और ऊपर से मेरे को बोल रहे वो पुरानी साड़ी ऐसी कैसी साड़ी है बोल के इपुने नेटला कटा ली चीरा साड़ी भी गई हाथ से मेरे अब वो साड़ी उन्होंने रख लेते कते कितनी प्यारी है ब्लैक कलर के ब्लाउज पे नहीं कट कुंटे इतना कोंगु ऐसे सार इतना चूसे डालू अरे क्या है मजाक कर रहे हैं ना ऐसा ये दो बुटियों के बीच में रह के इतना सर का बच्चा चले आ तो अल्लाह ने उठा ले ये दो बुटिया पागल कर दे रहे साड़ी जाते अब ये साड़ी मेरे को नहीं दिलाओ तुम हाँ कत ची रही पिया नहीं पुना को नो वो हाँ क्या दशहरा को दिलाते कि क्या नहीं की गाइस मेरी साड़ी तो उन्होंने पूरी खराब कर दी है देखिए ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देख रहे तो पूरी साड़ी ये कुत्तों का अलग पुकारा घर में मेरे को जान के दुश्मन बन गए ये मेरे बच्चे मेरी साड़ी तो खराब कर दिए इन्हों और ऊपर से देखो सो कौन सी अच्छी साड़ी थी ये क्या थी बोल के उल्टा मेरे पे पुकार रहे क्या है आंटी अब मैं कैसा पहनूं जी ये साड़ी हाँ कितनी छोटी हो गई ये साड़ी अरे खूबसूरत दिख रही थी नहीं दिख रही थी रे साड़ी देखो शर्माना फिल्म वाली तेज नहीं कटरीना कैफ शर्मा जाना अब ये साड़ी तो मैं नहीं पहनती हूँ ये साड़ी ले लो ये लो नुवे उंच को ना केम वद्दू तीस को पो दान की रूलिंग चेपी मी कोडल की कटकोनी के नल्ला ब्लाउज लस्तदी नई साड़ी गाइस तीन बारिश पहनी मैं बहुत बोले तो वली में मैं जुमागी में डिनर में वो भी अलग 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 सबकी खत्म आंटी साड़ी खराब कर दिए अब मैं ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूँ ये साड़ी आंटी को मुबारक ये लो तुम पहन के खुश रहो अच्छे रहो पूरे साड़ी ऐसी वाटेला करो तुम ऐसी करते रहते हो तुम देखे ना मेरी साड़ी सत्यानाश कर दिए आये हाय दाल जल के जा रही मेरी आयो अरे तेरे को दाल बंद करो बोली बंद कर आये पागल पोटा दाल बंद करे साड़ी सत्यानाश करके छोड़े नो मेरी इन लोगों का अलग पुकारा हो गया सर में दर्द हो गया इन लोगों से मेरे को अब मेरे को बाहर अड़जे जा कहा मेरे मैयत के पीछे फिरे जैसा मेरे पीछे 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 फिरता गुसल कराने वाले को ले लेके आता मेरे को पागल हो गया मैं क्या की एक बात को एक बात बोलती हूँ एक बात की जोड़ को तू देखो सही में गुसल कराने वाले को लेके आता अरे मेरे जीते जी तुम लोग मेरे को मारने पे तू ले हुए है वो काम वाली ऐसी दम कर दी तू भी ऐसी दम कर दिया ये घर में रहूं या घर छोड़ के मुंबई को भाग जाऊं दरवाजा बंद है जी अभी तो यानी कि जाओ बोल रहा हां चले जाऊं हां अब भी जाऊं मैं भी चलता हूं कहीं को तुम जा रहे हो रहना पड़ता ना जी
ठीक है जा पानी नहा ले, मैं भी पानी नहा लेती हूँ, कपड़े पैक कर लेती हूँ, मुंबई को निकल जाएंगे। चल चल रहे, चल कौन रहने वाले घर को, चल मुंबई को जाएंगे। तो गाइस मैं निकल जाती हूँ, मुंबई को रहती हूँ नहीं करती नहीं, सीधा मुंबई को राइट जा। ये देखो ये गन्ने का जूस है जो सुबह रोजाना सुबह नहीं पियो, मैं कभी पी तो पीती हूँ कभी नहीं पी तो नहीं पीती हूँ। और ये दहा हमारा मिट्रेल, कहाँ गया मेरा मिट्रेल, ये आंटियाँ कहाँ रखी कि, ये देखो ये रहा मिट्रेल मेरा ब्रेकफास्ट का, खाना बन रहा। जा पानी ना के जा, हाँ जा जल्दी जा, कपड़े कहाँ है, पीता अनार गन्ने का जूस। गन्ने का जूस पी ली, अंडे खा ली, थोड़े पिस्ते खाती हूँ, खत्म। अरे उसको धूप में डालो, पर पिस्तों को अंदर घुसाड़ के रखे थे थैली के अंदर। तो गाइस चलो खाना सालन पक गया, मेरी साड़ी तो ना सत्यानाश कर दिए, ख़त्म हो साड़ी, उनको पहनने के वास्ते दे दी मैं। और अब मैं निकलती हूँ शाम तक मुंबई के वास्ते, दुआओं की दरख्वास्त, हम और आप और हम, किराक खाला के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे आपको रोज़ देखने के, ऐसे किराक खाला के वीडियो मिलेंगे, फुल हंसो फुल खुश रहो। अरे वो चॉकलेट का डब्बा लेके आना रे ज़रा, फुल हंसो फुल खुश रहो, टाइम पे गोलियां खाओ, बड़े लोग बच्चे लोग अपने स्कूलों का ख्याल रखो, अच्छी पढ़ाई पढ़ो, एग्जाम फाइनल आने वाले हैं शायद। और ये देखो मेरा घर में चॉकलेट का डब्बा जो मैं खा नहीं सकती, ये हमारी बेटी साहिबा का है। ये जी, बोलते रहे तेरे ना कुछ ना कुछ, उनका क्या ले लेके बैठा हुआ। डिम्पल दीदी थोड़े खाए थोड़े रख दिए क्या रे। ये देखो गाइस ये हमारी बेटी साहिबा का है, उन्हों स्कूल गए जब एक लेके जाते, नहीं तो आके मेरे को बोलते उन्हें पोजा मार रही थी मेरे सामने, ये लेके आके उन्हें पोजा मार रही थी वो करने। आजकल बच्चों के चलते ना पेंसिल को लेके पेन को लेके उसको लेके इसको लेके वहाँ पे रख दे जा। तो ये है पूरा हमारे घर की परेशानी। आपकी घर की परेशानी कैसी है ज़रा आंटी को फिरा के दिखाओ, उनकी झाड़ू कैसी है, ये देखो ऐसी झाड़ू है उनकी, आड़ी टेढ़ी टेढ़ी आड़ी, ये देखो देखे ऐसा झाड़ू मारते हो, उनको काम कुछ भी नहीं है आज, आप 10 दिन तक नो काम, 10 रोज़ को नो पानी, खाली कुक पिल्ल की उंटा नैन वी चुस्के मेरा उंटा इधे 10 रोज वरक इदे पानी चिन्ह मनमे इगो वील की रात्रि तस्कना आफीस की अम्मो पोदन तोलकोचना आफीस अंत इरीपे अंत चंडाल चीपेटे वील्मा ఇందాకనే తోలుకొచ్చినా అందుకే మీ కొడలికి ఫోన్ చేసినా కదా వస్తున్నా లేనని, ఐసా నయా టీవీ లియో బోలో। तो गाइस दुआओं की दरख्वास्त, और मैं आपको इसी तरह हंसाती रहूंगी खुश रखूंगी। और क्या हुआ रे क्या सोच रहा, वो आंटी की झाड़ू देख रहा हूं, नको देख मेरे नजदीक आ। तो गाइस अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक वीडियो को लाइक करो, हंसते रहो खुश रहो, हमेशा किरा खाला को दुआएं देते रहो, क्योंकि मैं आपको आपके अम्मी को आपके बच्चों को आपके बीवियों को घर में बिठा के हंसाने वाली हूँ, खुश रखने वाली हूँ, उनकी सेहत का ख्याल रखने वाली हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी मेडिसिन है किरा खाला, उनको हंसाना उनको खुश रखना। दुआ की दरख्वास्त।